الذي لا ناقص لحكمه ولا راد لقضائه والسلام والسلام على خاتم انبيائه وسيد امرائه ابي القاسم محمد. المدروس في هذا الزمان لا تعمل ليس بالجان المنطق بكل لسان الناس بالاحكام جميع الشرائع الأديان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسلام والسلام على أئمة الإسلام شر الذرية خير البشر وفد جماعة المنتدى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كفرا ووضعته كفرا وعمله وفساده 30 شهرا صراط المتقين. زیدی بھائی کے والدین، محمود بھائی کے والدین، منظر بھائی کے والدین، اچھے بھائی کے والدین، اشار بھائی کے والدین اور دیگر زیادہ مولی کے والدین. ہوگا
ये आप के बाद इसे आपकी उम्मत खत्म कर दी। रिसालत फना ने जब सुना तो आपने जिब्रील से फरमाया कि मुझे ऐसे मौलूद की हाजत नहीं है कि जो इसको मेरे बाद मेरी उम्मत खत्म कर दे। ना जिब्रील वापस चले गए और खुदा बंदे आलम की बारगाह में ये पैगाम पहुंचाया। फिर दोबारा जिब्रील अपनी नाजिल हुए, फिर यही हुक्म खुदा बंदे आलम की तरफ से रिसालत पना की खिदमत में पेश किया कि आपका ये बच्चा आपके बाद आपकी उम्मत से कत्ल कर देगी। रिसालत पना ने इरशाद फरमाया कि मुझे ऐसे मौलूद की हाजत नहीं है, मेरी तरफ से खुदा से जाकर मेरा सलाम कह दो और कह दो कि मुझे ऐसे मौलूद की हाजत नहीं है। तिबारा फिर जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने इरशाद फरमाया कि खुदा अंजला मातूफ़ दूर सलाम के इरशाद फरमा रहा है कि मेरे पैगंबर, ये आपका बच्चा आपके बाद आपकी उम्मत से खत्म कर देगी, लेकिन परवरदिगार आलम ने इमामत विलायत और विसायत इसी के जरिए कायम किए। जब रिसालत पना ने यह सुना कि इमामत और विलायत इसी के दम से कायम रहेगी तो आप राजी हो गए और ये पैगाम जनाब फातिमा को जहरा सलामुल्लाह अलैहा को पहुंचाया। जनाब रिसालत पना के पास ने जब ये पैगाम पहुंचाया तो बीबी फातिमा ने भी यही इरशाद फरमाया कि फिर मुझे ऐसे मौलूद की हाजत नहीं है कि जैसे नाना की उम्मत जिसे रसूलुल्लाह की उम्मत बाद में खत्म कर दे। जनाब रिसालत पना ने इरशाद फरमाया कि इसी में तो विलायत और विसायत भी कायम होती, तो जनाब फातिमा जहरा भी खामोश हो गई। और उसके बाद फिर जनाब रिसालत पना ने इस पूरे आयत मुबारका की तिलावत फरमाई और अहसन अलइंसान बिवालिदैह एहसान فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا فَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ। इस ये बच्चा जिसकी के मुदत हमल और दूध बढ़ाए 30 माह थी, जब यही बच्चा बड़ा हुआ और यहाँ तक के 40 साल का हो गया तो उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि खुदा बंदा मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं वो नेक अमल अंजाम दूँ कि जिससे तू राजी हो जाए और मेरी औलाद को मेरी जुर्रियत को कि इस्लाह सलाह तकवा मेरे यहाँ कायम फरमा। और आप जानते हैं कि इमाम आली मकाम की विलादत बासादत हुई और जब जनाब इमाम आली मकाम की विलादत हो रही थी उसी वक्त में आपके यहाँ जनाब उमुल फजल ने ख्वाब में देखा कि रिसालत पनाह के नूर मुबारक से एक हिस्सा अलग हुआ और आपकी आगोश में आके गिर गया। जनाब उमुल फजल रिसालत पनाह के पास आई और अर्ज़ किया कि हुजूर मैंने ख्वाब में देखा है, एक बहुत डरावना ख्वाब देखा कि आपके नूर मुबारक से आपके जिस्म मुबारक से एक हिस्सा अलहदा हुआ और मेरी आगोश में आके गिर गया। जनाब रिसालत पनाह फरमाया कि ये तो खुशायन ख्वाब है, तुम नेक ख्वाब है, एक बच्चा फातिमा के वतन से पैदा होगा जिसकी परवरिश तुम करोगी। जनाब रिसालत पनाह ने जैसा फरमाया था वैसा ही हुआ। जब इमाम आली मकाम पैदा हुए तो आपने हजरत उम्मुल फजल के हवाले कर दिया। हजरत उम्मुल फजल ने आपको परवान चढ़ाना शुरू किया, यहाँ तक के जब आप 7-8 साल के हो गए तो एक मरतबा लिए हुए जनाब रसूल गिरामी कदर की खिदमत में आई। रसूल ने अपने आगोश में ले लिया, रसूल के आगोश में देने के बाद आप मुतमईन हो गई, थोड़ी देर के लिए किसी काम से वापस चली गई। जब वापस आई तो देखा रिसालत पनाह अश्कबार है, आपकी आंखों से सैले अश्क जारी है। पूछा या रसूल अल्लाह ये रोने का सबब क्या है? फरमाया मुझे जिब्रील अमीन खबर दे गए हैं कि ये मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा।
بس یہ سننا تھا کہ جناب جناب امام عالی مقام یعنی اس روایت کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھے گا کہ امام عالی مقام پر ہم نے گریا کرنا کربلا کے بعد شروع کیا ہے، بلکہ یہ وہ امام ہے کہ جس کی ولادت کے وقت سے ہی گریوں کا شروع ہوا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہیں سنت ہے، دکھاؤ رسول اللہ نے گریہ بکا کیا ہو تو بتاؤ۔ رسول اللہ نے 50 سال پہلے حسین پر گریہ فرمایا، یہ ہے وہ روایت کہ جس میں جناب رسالت بنا اپنے آغوش میں حسین کو لیے بیٹھے ہیں، دار و قطع ہو رہے ہیں، حضرت ام الفضل بیان کرتی ہے میں نے سبق پوچھا تو رسالت بنا نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے سب خبر دے دی ہے، اور اس کے بعد جناب رسالت بنا نے ایک سرخ مٹی اٹھائی اور اٹھا کر کے جناب ام الفضل کے حوالے کی کہ یہ اپنے آپ پاس رکھ لیجیے، جب یہ بالکل سرخ ہو جائے، خون جوش مارنے لگے تو سمجھ لینا میرا بچہ ذبح کر دیا۔ تو عزیزوں ابھی امام علی مقام شہید تو نہیں ہوئے تھے، 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، 50 سال پہلے سن 11 ہجری میں رسالت پناہ کی وفات ہوئی ہے۔ سن 11 ہجری میں جناب رسالت پناہ نے اس سے پہلے حسین پر گریہ فرمایا ہے، حسین پر گریہ ماتم، حسین پر گریہ ماتم کا طریقہ بتایا ہے، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے۔ ماتم کے سلسلے میں بھی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ خود جناب رسالت پناہ نے ماتم کیا ہے۔ جب آپ کے چچا بدر میں جناب حمزہ شہید ہو گئے اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی بہن فاطمہ گھر میں بیٹھی خاموش ہیں اور سب صحابہ کے گھر میں یہ جو ماتم ہو رہا ہے، اپنے اپنے صحابی کو، اپنے اپنے وارثوں کو سب یاد کر رہے ہیں، تو جناب رسالت پناہ حضرت حمزہ چچا کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا جناب فاطمہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی جناب رسالت پناہ نے دیکھا اپنی بہن فاطمہ کو تو فوراً آپ کے سینے میں تو ہتھکڑ مارا اور فرمایا کہ ہائے، سب کے رونے والے ہیں مگر میرے چچا کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں، میرے چچا کا ماتم کرنے والا مارے۔ بتائیے اب یہ تاریخ سے ثابت ہے یا نہیں کہ رسول اللہ نے سینے پر ہاتھ مار کر ماتم کیا اپنے چچا کا، اور اسی دن سے جناب حمزہ علیہ السلام سید الشہداء کہلائے۔ اور یہ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی کسی کی یاد کرتا تھا، جب بھی کوئی کسی کا گزر جاتا تھا دنیا سے، تو پہلے حضرت حمزہ کا ماتم کرتا تھا، پھر اپنے وارث کو یاد کرتا تھا، پھر ان کی پہلے حضرت حمزہ کی نظر ہوتی تھی، فاتحہ ہوتی تھی، پھر جناب پھر کسی اور اپنے وارث کی ہوتی تھی۔ کربلا کے بعد یہ دستور بدل گیا۔ ہمارا یہ شعار ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں کا کوئی گزر جاتا ہے تو ہم اپنے میت پر جزا و فضا نہیں کرتے، بلکہ ہم حسین کو یاد کرتے ہیں، وہ حسین کہ جس نے اس امت کی خاطر وہ عظیم کارنامہ انجام دیا جو دنیا کا کوئی عام آدمی انجام نہیں دے سکتا، جہاں بڑے بڑے انبیاء ہمیں ساکت نظر آتے ہیں۔ ابھی چند روز گزرے ہیں، آپ نے بقرعید منائی ہے، اس بقرعید کی یادگار کیا ہے؟ جناب اسماعیل 7 سال کے تھے، حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور ایک دن خواب میں دیکھا، دوسرے دن خواب میں دیکھا، تیسرے دن خواب میں دیکھا، جناب ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، اپنے بچے اسماعیل کو بڑھایا جو بڑی منت و مراد سے پیدا ہوئے تھے، 90 سال کی عمر مبارک میں پیدا ہوئے تھے، بڑی منتوں سے رب حبلی من الصالحین مناجات پڑھنے کے بعد پیدا ہوئے تھے، لیکن جب 7 سال کے ہوئے تو خواب میں دیکھا میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب حقیقت ہوا کرتا ہے، خواب نہیں ہوا کرتا، اس لیے آپ نے بلایا جناب اسماعیل کو اور کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بچے نے جواب دیا فَسَتَذْبُحُنِي ان شاء اللہ تعالی من الصابرین، اے بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، ان شاء اللہ آپ مجھے صابرین سے پائیے گا۔ بیٹے نے بیٹا چونکہ نبی ہونے والا تھا لہذا اسے نے بھی انکار نہیں کیا، جناب ابراہیم
इब्राहिम इस्माइल को ले हुए मकान कोहर सभा भरमा के दरमियान में आए, अपने बच्चे को और मुंह के बल लिटाया, गले पे छुरी फेंकना चाहिए, अपने हाथ को सच कर दिखाना चाहा कि एक मरतबा जिब्रील नाज़िल हुए, आने वाहिद ने छुरी को पलट दिया और बच्चे को हटा करके दुम्बा पेश कर दिया, दुम्बा ज़िबा हो गया, तब खून का फव्वारा जारी हुआ। क्यों? इसलिए कि बच्चे को मालूम था बाप अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेटे ने पहले ही कह दिया था, बाबा अपनी आंखों में पट्टी बांध लो, तुमसे ये मंजर देखा न जाएगा। इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांध ली, जब छुरी चली, खून का फव्वारा उछला, एक मरतबा पट्टी को फौरन हाथ में आंखों से खोला तो क्या देखा, सामने सैयद सालिम इस्माइल खड़े हैं और दुम्बा ज़बह किया हुआ पड़ा है। आज इंसाफ से बताइए, सारा आलम इस्लाम इस यादगार को मनाता है, हजारों करोड़ों दुम्बे बकरे उसके नाम पर ज़बह किए जाते हैं, खुशी का इजहार किया जाता है। जरा सोचो, जबकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रो दिए और आपके खुदा की बारगाह में दुआ की, खुदा बंदा क्या मेरा हाथ पूरा नहीं हुआ, क्या ये हकीकत नहीं थी, मैंने अपने बच्चे को ज़बह करने की कोशिश की लेकिन तूने मेरी नजर को कबूल नहीं फरमाया। अब जवाब आया, फदल्लाहु बिस्मिक अज़ीम, ए इब्राहिम हम इसी तरीके से मुस्लिम को जगा देते हैं, हमने फितिया करार दिया एक ज़बह अज़ीम के साथ, इस्माइल को बचाया इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा का ज़हूर होना था, हुसैन को लाया गया इसलिए कि यही ज़बह अज़ीम होने वाले थे। और यूं ही नहीं बल्कि रिसालत पनाह ने जितनी मेहनतें की थी 23 साल की जिंदगी में जिस दीन की सनद हासिल फरमाई थी, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरज़ितु लकुम अल-इस्लाम दीना, ए मेरे हुबीब रसूल, मैंने आज के दिन आपके दीन को कामिल कर दिया, आपको नेमतों का तमाम इत्मीनान कर दिया, आपके दीन इस्लाम से राजी हो गया, सनद हासिल जब कर ली तब नबी को चैन आया, तब नबी को सुकून आया, तब नबी को इस बात पर आश हुआ कि मैंने दीन इस्लाम की तबलीग पूरी कर दी। लेकिन अजीजाने गिरामी कदर, ये जब किया तब खुद रिसालत पनाह को अल्लाह ने इजाजत दी और ये फरमाया कि आप अगर इस काम को नहीं अंजाम देंगे तो गोया कार्य रिसालत नहीं अंजाम दिया। अल्लाह के रसूल को अल्लाह हो यासिमों का मिला ना, आप लोगों का खौफ न खाइए, अल्लाह आपको बचाएगा। जब नबी को पूरा प्रोटेक्शन मिल गया तब नबी ने ऐलान फरमाया, अली मन कुंतु मौलाहु फहाजा अलीयुल मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसका ये अली मौला है। अपने बाप की रहबरी का इंतजाम रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में फरमा दिया था। अजीजान गिरामी कदर, लेकिन लोगों ने उसे न सराहा। आखिर आज अपने को बड़े फख्र से कहते हैं कि हम सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम सुन्नत पर अमल करते हैं, जबकि इनके बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह के मर्ज में मुब्तला होने पर ये जुमला कहा था, हज़बुना किताबुल्लाह, रसूल फरमा रहे थे इन्नी तारको भी मुसअलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत, एक इत्रत और अहले बैत। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इत्रत नहीं बल्कि सुन्नत कहा था। मैं कहता हूँ अच्छा, सुन्नत ही कहा था तो आपने सुन्नत से इनकार क्यों कर दिया? आपने तो अकबर वो सुन्नत से इनकार कर दिया और ये कहा कि हमें हज़बुना किताबुल्लाह, हमें तो किताब खुदा काफी है। अजीजों जरा सोचो, जिन्होंने सिर्फ किताब खुदा को थामा था आज वो जमाने में 100 करोड़ गए, लेकिन जिन्होंने अहले बैत के दामन को थामा था, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह इत्रति व अहलु बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। देखो मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे इत्रत व अहले बैत। ये इत्रत व अहले बैत हरगिज़ एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पे आके मुझसे मुलाकात करेंगे। हौज़े कौसर कहाँ है? इंसान की आखिरी ख्वाहिश क्या है कि मुझे किसी भी तरीके से जन्नत मिल जाए, मुझे किसी तरह
क्यों रोजा रखोगे? कहा था कि कुरान पढ़ेंगे ताकि इमाम हुसैन नक्श दिए जाए। इनको आज तक इतना ही शऊर नहीं है कि हुसैन हमारे नक्श माने के लिए आए हैं, हम हुसैन को क्या बख्शवाएंगे। लेकिन जितनी अकल उतना ही कमाल। आज दुनिया 100 करोड़ मुसलमान पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोजा रखेंगे, इसलिए रोजा रखेंगे कि हुसैन नक्श दिए जाए। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जिस हुसैन के लिए रसूल ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सज्जना शबाब अहले जन्नत, ये बेटे हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है, जिनकी मिल्कियत में जन्नत हो उन्हें हम क्या जन्नत में पहुंचाएंगे। लेकिन अजीजान गिरामी ये खुद खुदा का फरमान है, सुम्मुन बुकमुन उम्यून फहुम ला यरजून। अरे कुछ लोग इंसानों में ऐसे भी हैं जिनके जुबानों पर जिनके कानों पर जिनकी आंखों पर हमने मोहर शब्द करती है, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, ये पलट नहीं सकते, ये कुछ समझ नहीं सकते, ये कुछ सुन नहीं सकते, ये कुछ बोल नहीं सकते। कितना ही पढ़ लिख जाए, कितने ही आने में फाजिल हो जाए, कितने हाफिज हो जाए, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि इनके कान बंद है, इनकी आंखें बंद है, इनके मुंह पर मोहर लगी है। जब हम तक पलट करके आएंगे तब इनको सब कुछ दिखा दिखेगा। शिकायत करते हैं कि हम तो साफ नुक्कड़ सभाएं करते हैं, हमसे खुद कहा, हम तो साफ खुल्लम खुल्ला स्टेज सजाते हैं, हम तो जिक्र सैयद शुहदा करते हैं, जश्न सरकार सैयद शुहदा और करबला का जिक्र करते हैं, आप लोग इस तरीके से क्यों नहीं करते? आप घरों में छुप छुप करके क्यों करते हैं? आपके पास अगर हक है तो हक को बेमेदान क्यों नहीं पहुंचाते? खुदा रहमत नाजिल करे उस खुमैनियत कबीर पर कि जिसने इस्लाम को भी जिंदा कर दिया, शिया को भी दुनिया को बच दिया। आप किसी में भी 32 जातों के दरमियान में वो जुबान नहीं है कि जो काट सके। आज सारी दुनिया लड़ रही है उस शियत से, लड़ रही है कि जो इमाम मजलूम के मानने वाले हैं, जो हुसैन गरीब का मातम करने वाले हैं, जो अपने सीनों पे हाथ मारने लाए हैं, जो अब्बास का आलम लेकर खामोशी के साथ गुजर रहे हैं। अरे ये अब्बास का आलम खामोशी के साथ हम लेकर नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि दुनिया वालों को बता रहे हैं ये वही आलम है जिसे मेरे अब्बास ने पानी में गाड़ के बताया था, मेरा करवाला में अब्बास को मिला। बस मैंने खत्म कर दिया, आपके जहमत का अपने गुंजाइश नहीं है मेरे अजीजों मेरे दोस्तों। माह अजाब करीब तर है, हर उस शेर से इतना करो कि जो गम का इजहार न करता, हर उस शेर का पर चलो कि जिससे ये खुद ब खुद सामने वाला समझ जाए कि हम किसी के गम में गम सदा हैं। अपनी तरफ से किसी खुशी का इजहार न करो। लोग एतराज करते हैं कि ये काला कपड़ा क्यों पहनते हैं, इसका भी जवाब मैं आपके सामने दे दूं। क्यों कहते हैं कि बनी अब्बास का लिबास है? लिबास तो सही है कि बनी अब्बास ने अपनी हुकूमत में अपने सारे तारीफों का लिबास काला रखा था, लेकिन उसकी ये वजह नहीं है, बल्कि हम इसीलिए काला लिबास पहनते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद स्याह लिबास पहना, मदीने में बीवियों ने सादा और काला लिबास से वेतन किया और साल भर तक सर्दी और गर्मी में उसी लिबास को पहने रही ताकि हुसैन का वक्त दुनिया में आश्कार हो सके। अरे कौन हुसैन, कौन गरीब हुसैन के जिसे घेर कर करबला के मैदान में लाया गया था? अजीजान गिरामी, कौन हुसैन के जिसने उस जमीन को पहले खरीद फरमाया था ताकि कोई ये न कह सके कि मैंने किसी की प्रॉपर्टी को गस्ब किया है? हुसैन ने पहले करबला को खरीदा था, बाद में उसमें बस्ती बसाई थी। हुसैन ने, हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया
लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हुसैन को ये कैसे मालूम था। इमाम के हुसैन गैब का इल्म रखते थे हुसैन, इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने ये पहले ही तरीका इस्तेमाल किया कि जमीन को खरीदा भी और खरीदने वालों को बाद में दोबारा हिबा भी कर दिया, मगर कहा मेरी चंद शर्तें हैं। ए बनी असद देखो, अगर मेरा कोई मेहमान आ जाए तो उसे 3 दिन तक मेहमान रखना। देखो अगर हम शहीद कर दिए जाए तो हमको दफन कर देना। लेकिन हुसैन को इस पर भी इत्तेफाक ना हुआ, लिहाजा आपने औरतों को बुला करके वसीयत की, देखो अगर तुम्हारे मर्द बनी उमैया के खौफ से हमारे लाशों को दफन न करें तो तुम आकर के तो तुम अपने मर्दों को गैरत दिलाना। इसके बाद भी हुसैन ने इस बात पर इत्तेफाक न किया, अपने नन्हे बच्चों को जमा किया और उसके बाद कर्बला का मंजर दिखाया हुसैन ने और फरमाया ये मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुमसे कब्रें तो क्या बनेंगी, मगर हाँ मेरे बच्चों अगर तुम खेलते हुए चले आना और हमारी लाशों को लिया देखना तो एक एक मुट्ठी खाक उस पर डाल देगा। अजीजान गिरामी, हुसैन ने सारे इंतजाम फरमा लिए थे और उसके बाद भी हुसैन पहली मुहर्रम से नौवीं मुहर्रम तक बस एक ही काम था हुसैन को, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करना, अल्लाह के लिए पैगाम पहुंचाना, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना। और आखिर तक हुसैन ने यही काम अंजाम दिया। जब न अब्बास रहे, जब न अली अकबर रहे, जब न अली अजहर रहे, तो हुसैन दो जानू घोड़े पे सवार होकर फरमा रहे थे, ए मनू बताओ तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम कर दिया है, क्या मैंने हलाल हराम मोहम्मद को हलाल कर दिया है, फिर तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन अजीज हो, हुसैन अपनी जान बचाना नहीं चाहते थे, इसलिए कि आप बचा के करते भी क्या, जब अकबर के सीने में बंशी का फल लग चुका, लग चुका।